नहीं ना, चुप पे गिर गया, चारकोल के दाग तो निकलने से रहे। हेलो, इट्स टी माइनस टू डेज, मतलब बर्थडे को दो दिन है, टेक्निकली एक ही दिन बोल सकते हैं, बिकॉज कल भी बर्थडे लगने वाला है क्योंकि हिमानी और मैं जल्दी सेलिब्रेट कर रहे हैं, गिवन दैट आई एम नॉट हियर ऑन माय एक्चुअल बर्थडे। आज तो रेडी होना ही है, लाइक टुडे इज द फाइनल डे, आई हैव टू गेट रेडी। फर्स्टली लेट्स अप्रिशिएट दिस नाइट सूट, यू हैव सीन दिस इन द बर्थडे हॉल। आई नो आई सेव दिस फॉर द ट्रिप, बट आई ऑर्डर्ड लाइक 5 मोर एंड दे आर ऑल गोइंग टू कम ऑन टाइम, तो मैंने ये इधर ही पहनना शुरू कर दिया। फॉर लाइक शेविंग द हैंड्स एंड लेग्स, ये एकदम परफेक्ट है क्योंकि मेरे आर्म्स भी एक्सपोज है, legs भी है, underarms, let's see, I don't think I'll shave them today per se, so let's start. First things first, मैं मेरे nose hair और upper lip hair को trim करूंगी। Sorry for the construction sound ना ऊपर, एक महीने से चल रहा है, पता नहीं क्या हो रहा है। बाल भी धोने थे, but I have the energy today. See. तो मैं ना ये हैंड वॉश यूज कर रही हूँ टू लाइक फोम अप द अपर लिप, क्योंकि प्रॉपर जो फोमिंग थिंग्स आता है ना, इसके लिए वो मैंने खरीदे नहीं अभी तक, तो अभी कहाँ जाओ लेने। सो आई जस्ट यूज दिस टू फोम अप हियर। ये सेक्शन ना, तब मैं ऐसे करती हूँ, एंड व्हेन आई एम डूइंग साइड सेक्शन तब मैं पाउट करती हूँ, तो ये एरिया फ्लैट हो जाता है, देन इट्स इजी टू टेक ऑफ द हेयर। नाउ वी विल कट नोज हेयर, और ऑल्सो दैट रेजर इज फ्रॉम मिनीसो। मिनीसो में रियली गुड है ऐसे ग्रूमिंग प्रोडक्ट्स का, मतलब इवन द नोज हेयर इज आई ऑर्डर्ड, मैंने अमेजोन से ऑर्डर की, सॉरी ये वाली मिनीसो से नहीं, ये वाली बेयर एसेंशियल से है, बट दिस इज व्हाट इट लुक्स लाइक। TMI, if you get grossed out by nose, like inside nose area, आप प्लीज स्किप कर देना 30 seconds to 1 minute, बिकॉज आई फील कम्फर्टेबल इन शेयरिंग दैट विथ यू। अगर आपको अनकम्फर्टेबल है तो स्किप कर देना। आई एम गोना लुक अप, आई एम गोइंग टू होल्ड माई टिप ऑफ द नोज एंड देन गो चॉप चॉप चॉप। सॉरी मैं ऊपर देख रही हूँ, ऊपर ना वो मैंने कैमरा का स्क्रीन फ्लिप कराया था, आई एम यूजिंग इट एज अ मिरर। चेक कि सारा नोजर गया है कि नहीं, इस बार स्माइलिंग वाइड एंड सीइंग तब मेरे नोजर पोक हो रहे कि नहीं, हो रहे ना, सी आई थिंक वी डन विद दिस आल्सो। नॉर्मली लास्ट ईयर भी ग्लो अप के लिए मैंने बस स्किन केयर करा था, लेट मी गेट द फेस वॉश। गोइंग टू बी यूजिंग माय ट्रस्टी डर्मा वीव, बिकॉज स्पेशल डेज नो रिस्क, मुंह गीला करके आती हूँ। बॉडी हेयर और मेरा ऐसा रिलेशन है कि आई फाइंड इट अ लिटिल हैसल फ्री व्हेन देयर इजंट हेयर ऑन माय बॉडी, इन द सेंस कि थोड़ा सा सॉफ्ट सा फील होता है, दैट्स इट। आई डोंट एसोसिएट इट विद लाइक ब्यूटी ब्यूटी कि ओ टू लुक ब्यूटीफुल आई नीड टू हैव माय बॉडी हेयर, दैट्स नॉट व्हाट इट इज। बट एट द सेम टाइम ऑन माय बर्थडे आई रियली एंजॉय टेकिंग ऑफ ऑल द हेयर, लाइक ऐसे लाइक नोज से अपर लिप से। सो टॉक्सिक रिलेशन तो नहीं है मेरा बॉडी हेयर के साथ, बट मुझे मजा आता है व्हेन देयर इजंट मच बॉडी हेयर, लाइक स्वेट कम आता है वगैरह वगैरह। अबाउट टर्निंग 23, दैट्स अ फीलिंग यार, वो नंबर से एज सच कोई एसोसिएशन है नहीं मेरा, लाइक आई एम नॉट फीलिंग वेरी ओल्ड और वेरी यंग। नंबर्स हैव नेवर अफेक्टेड मी ऑन माय बर्थडे, आई फील सॉर्ट ऑफ द लास्ट डे आई कैन सिंग आई डोंट नो अबाउट यू, आई एम फीलिंग 22। ओके डन, वॉश अप वॉश अप। ओके, तो आई लव क्ले फेस मास्क, चारकोल इज वन ऑफ माई फेवरेट इन्ग्रीडियंट्स, तो आई ऑर्डर्ड अ न्यू मास्क फ्रॉम डॉट एंड की, क्योंकि उनका एक पिंक क्ले मास्क मैंने ट्राई किया था, इट वर्क वेल फॉर मी, तो लेट्स सी ये वाला कैसा असर करता है। आई डोंट फील प्रेशर्ड फॉर मैरिज एट ऑल, थैंक्स टू बोथ आर फैमिलीज, थैंक्स टू माई पार्टनर, नो बडी इज इन अ रश। वो बहुत ही मिंटी सा फील आ रहा है, आई थिंक ये हाथ से स्प्रेड करना पड़ेगा, ये स्पैटुला से कुछ होता है नहीं, सिर्फ मैं थोड़ा ले लेती हूँ। हाथ बॉटल में नहीं डालना चाहिए फॉर सैनिटाइजेशन रीजंस, बट इसलिए मैं सिर्फ स्पैटुला से नहीं ना, चुप पे गिर गया, चारकोल के दाग तो निकलने से रहे, फिर तुरंत धो लूंगी। इट फेल अगेन, चिन से गिर रहा है एक्चुअली। ऐसे वीडियोस के टाइम पे प्रॉपर टाइम निकाल दूँ स्किन केयर के लिए, डेली लाइफ में ना आई डोंट फील लाइक आई टेक इनफ केयर, इसलिए माय स्किन इज एक्चुअली नॉट डूइंग दैट वेल, आई फील काफी बम्स आ गए जो पहले नहीं हुआ करते थे। इतना मिंटी मुझे कोई फेस मास्क में फील नहीं हुआ है, इसको कितना टाइम, 10 मिनट तो सूखने देना पड़ेगा ना, तब तक मे बी वी कैन डू पैर का नेल पॉलिश, क्योंकि पैर में ज्यादा जाऊंगी नहीं, उसके पहले वी नीड टू क्लीन आवर टी शर्ट, आई डोंट वांट इट टू गेट स्पॉइल्ड। माय फेस इज फीलिंग टू ठंडा, ऑल्सो माय टी शर्ट पहले टाइम पहनने में ही
दाग लग गया बट होपफुली निकल जाएगा. डेटॉल का हैंड वॉश लगाया बिकॉज उधर सर्फ नहीं था बट ठीक है. सो आई एम नॉट डूइंग आईब्राउज क्योंकि रिया के शादी में ही करवाए थे एंड लाइक 2 ईयर्स बाद करवाया मैंने तो इतनी जल्दी तो मैं करवाऊंगी नहीं वापस. बट अभी पैर का नेल पॉलिश कर लेते हैं. उसके लिए मम्मा वेद की जरूरत पड़ेगी बेचारी. शी इज नॉट फीलिंग वेरी वेल टुडे. शी इज गेटिंग लाइक सीवियर बैक पेन. तो लेट्स फिगर आउट. सोफे पे बैठ जाता है ऐसा होगा तो. वी नीड अ नेल पॉलिश रिमूवर. कारा वाइप्स ही मैं बहुत टाइम से यूज कर रही हूँ. कलेक्शन तो अपना काफी अच्छा था बट इसमें न्यूड्स कम थे. सो आई बॉट सम फॉर द बर्थडे. ओह नेल कटर भी शायद चाहिए होगा. आई बॉट दीज 4 न्यूड्स एक्चुअली एंड 1 ग्लिटर. सो दिस ये जो ग्लिटर वाली है इट्स द एग्जैक्ट सेम दैट्स ऑलरेडी ऑन माई टोज राइट नाउ. दिस वॉज रियाज. ये मैंने शादी के टाइम पे उसकी यूज करी थी बट आई लव्ड इट अ लॉट तो मैंने खुद के लिए भी ले ली. दिस इज फ्रॉम स्विस ब्यूटी. शेड नंबर तो कहाँ मिलेगा. मैं नीचे लिंक कर दूंगी फ्रॉम माई नायका ऑर्डर. वेट शेड नंबर है 07. देन कुमार हैड कम तो आई टोल्ड हिम इसमें से एक चूज कर. तो ये लिटरली वेंट लाइक हेल ये सब सेम है. टेक्निकली दे ऑल डू लुक द सेम बट मतलब ये ब्राउन है, ये पिंकिश है और ये लाइट पिंक है और ये मैट है. तो ये साइड की उसको प्यार का पंचनामा वाला सीन याद आ गया. वे तो लीड फीमेल गोज लाइक हॉट पिंक बेबी पिंक सैलमन पिंक ये पिंक. अभी पैर का नेल पॉलिश निकालेंगे पहले. देन इफ द नेल्स नीड कटिंग कटिंग एंड देन पैर पे कौन सा लगाना है देखते. द कलर इज वेरी प्रिटी. मुझे तो बहुत अच्छा लगा. ये शेड कौन सा वेट आई शो यू. नाउ वी विल डू सेकंड कोट. नो मिस्टेक एवर केप्ट मी लेट. वी स्पेंट समर्स कैचिंग फायरफ्लाइज. दिस इज द शेड. इट्स बाय के ब्यूटी. आई फील लाइक विथ एज एम मेरा टेस्ट थोड़ा ऐसा एडल्ट लाइक हो रहा है बिकॉज उसके पहले तो आई वुड लाइक ऑल पर्पल्स एंड एकदम ब्राइट ब्राइट कलर्स बट ये बोलते हैं मुझे न्यूड ही लगाना था फॉर सम रीजन. तो नाउ माय फेस इज लाइक वेरी टाइट. सब पूरा सूख गया है लाइक नथिंग इज कमिंग ऑन द हैंड. तो ये निकाल लेती हूँ. देन वील अप्लाई अ फेस शीट मास्क फॉर लाइक हाइड्रेशन. वो भी चारकोल वाला लगाएंगे बिकॉज चारकोल इज मेरे को बहुत सूट करता है चारकोल. आई फील लाइक आई कैन सी द मोस्ट विजिबल डिफरेंस व्हेन आई यूज चारकोल. देन I think we should shave our hands and legs and then we should do hand nail polish and glow up. But 30 minutes mein full transformation. मैं ना ये निकालते वक्त टी शर्ट उतार दूंगी बिकॉज ये निकालते वक्त ना बहुत सारा गिरेगा चारकोल वाला पानी. तो आई सी यू आफ्टर आई हैव टेकन दिस ऑफ. वी विल पिक द शीट मास्क टुगेदर. व्हाट इफ चारकोल से कुछ बेटर मिल जाए. तो हाँ निकाल के मिलते. द इफेक्ट ऑफ द फेस मास्क. My skin feels so clean ki I need to use face masks at least once a week. Yaar I think I've done one after the wedding. Ek mahine pehle maine kara tha wo Riya ke wedding ke liye. I have to stop taking breaks because my skin was not doing well this whole week. It could also be because my periods. Kal to periods 100% aane wala hai. Like literally on the day I start celebrating birthday periods aane wala hai but theek hai. Bahut hi acha lag raha hai. Let's go with the sheet mask. So see this is my usual go to. चारकोल वन. हाई नो शीट मास्क का बहुत हेल्दी कलेक्शन है यार. गार्नियर भेजते रहते हैं तो है एंड देन आई शेयर इट विद ऑल माय फ्रेंड्स एंड फैमिली. लैक्मे वाले हैं विच आर क्वाइट नाइस. हाइड्राबॉम और सकूरा में मैं कंफ्यूज हूँ. पिंकिश ग्लोना ठीक है सकूरा करते. तो यू आर टॉकिंग तो मैरिज वाइज आई डोंट फील प्रेशर एट ऑल. फैमिली पार्टनर एवरीबडी आर प्रीटी दिस के लिव योर लाइफ सेट योर करियर गेट इंडिपेंडेंट बोथ ऑफ यू एंड तुमको जब कंफर्टेबल हो तब. हाँ बाकी रिलेटिव्स थोड़ा बोलते रहते हैं बट उनका ना कोई भी दिमाग नहीं लगाता है ना मेरी फैमिली ना कुमार की फैमिली. सो वी प्रीटी चिल लाइक दैट. फाइनेंशियली आई डोंट फील प्रेशर्ड. आई डू फील क्वाइट स्टेबल. अ लॉट ऑफ क्रेडिट गोज टू यू ऑफ कोर्स फॉर दैट फर्स्ट एंड ऑल्सो बिकॉज वी स्टार्टेड सो अर्ली. मैं ना जिंदगी में कभी एक शीट मास्क नॉर्मली लाइक एकदम प्रॉपरली नहीं लगा पाई हूँ. तो आज भी मेरा कोई ज़्यादा होप है नहीं खुद से बट दिस आई फील लाइक इज गुड. अब ये जो एक्स्ट्रा वाला है उसको तो हर बार की तरह हम लगाने ही वाले हैं बट आई थिंक रिमेनिंग आई अप्लाई ऑन ओनली माई एल्बोज एंड नीज क्योंकि आज शेव करना है ना. शेव करना है तो उसके पहले मेरे को सीरम से लोप पोत नहीं करना बॉडी. आई कैन अप्लाई ऑन माई फीट दो दैट वी कैन डू. सो ऑफ श्योर प्लेफुल एंड फ्री बट आई डोंट केयर इन द वर्ल्ड. अभी शेव करने को लगता है ज्यादा ग्रोथ हुई नहीं है मेरी बड़ा सा फील करना है मेरे को. दिस इज व्हाट माय आर्म्स आर लाइक. पैर पे है ग्रोथ थोड़ी सी. तो माय
यूजुअल शेविंग प्रोसेस इज कि आई वेट माय जो भी पार्ट को शेव करना है और वो हैंड वॉश जो ना फोमिंग वाला उससे पूरा फोम फोम कर देती हूँ एंड देन आई शेव बस एंड देन बॉडी लोशन जो मैं काफ़ी बार स्किप कर देती हूँ बट यू शुड नॉट स्किप बॉडी लोशन आई एम डूइंग दिस इन अ वॉश बेसिन क्योंकि ना मेरी सारी लाइट्स खराब हो गई है बाथरूम की तो इफ़ आई गो देयर तो दिखेगा नहीं तो यहाँ पे आप देख पाओगे थोड़ा सा ये बाथ एंड बॉडी का ये हैंड वॉश ना मुझे कुछ 60% ऑफ में पड़ा था सो इसका ओरिजिनल प्राइस इज आई थिंक अराउंड 600 विच इज समथिंग आई कांट अफोर्ड फॉर अ हैंड वॉश राइट नाउ पर 60% ऑफ के बाद कुछ 240 का मिला था वैसे भी रेजर को भी वेट करना है एंड देन आई गो विद इट एकदम हल्के हल्के हाथ से करना सो दैट यू डोंट गेट एनी लाइक कट्स यूजुअली अ पार्ट आई मिस आउट इज दिस पार्ट यहाँ पे करना है और नीज के अंदर भी काफ़ी बार होता है बाल लाइक बहुत सारे बाल एक साथ ज़्यादा ग्रोथ ही नहीं तो आई एम हैप्पी विद दिस हैंड्स का सेम प्रोसेस है मैं थिंकिंग हैंड्स आज ना करो क्योंकि उतना है नहीं तो बार बार ब्लेड क्यों लगाना है नॉट डूइंग हैंड्स टुडे बस पैर ही करना है टन भी फेस मास्क अभी निकाल दूँ क्या कितना आई थिंक हो गया 15 मिनट गंदों मी विल यूज दिस ऑन माय हैंड्स आल्सो अभी हेयर सीरम बचा हुआ तो फिर क्यों आई शुड हैव वेस्टेड आई अब मेरे ही चेहरे पे लगाना मेरा चेहरा तो साफ ही था आई एम नॉट पुटिंग दिस ऑन माय लिप्स टुडे क्योंकि शेप ही है ना उसको बॉडी लोशन लगाएंगे और जो भी एक्सेस सीरम है स्टार्टेड इन तो मैं रब नहीं करती हूँ आई लेट द फेस टेक इट तो नाउ आई वेट फॉर लाइक 10 मिनट्स ये सीरम को एब्जॉर्ब होने में तब तक वी कैन स्टार्ट आर नेल पेंट एज सून एज सीरम इज एब्जॉर्ब देन आई मॉइस्चराइज बस तब तक नेल पॉलिश कर लेते हैं थोड़ी नेल पॉलिश के पहले वी हैव टू लाइक मॉइस्चराइज द लेग्स क्योंकि शेव करने के बाद उनको ऐसे नहीं छोड़ना चाहिए फॉर बॉडी लोशन हाई टू वुड माय रेजर वाज जिलेट वीनस द नॉर्मल ब्लू वाला आई हैव द पर्पल वन टू बोथ आर गुड द ओनली कंप्लेन आई हैव द पर्पल वन इज कि उसका जो जेल बार है ना वो बहुत जल्दी डिजॉल्व हो जाता है सो आई टेंड टू बाय दिस वन मोर लाइक मैं पहले दो रिफिल यूज करती हूँ फिर एक वो दो ये वो एक वो तो बहुत प्रीमियम में आ जाता है मेरे लिए सो इट्स अ ग्रेट रेजर आई डू फाइंड इट मच बेटर देन द ब्लू वन बट अंटिल आई फाइंड आउट हाउ टू प्रिवेंट द जेल बार्स फ्रॉम डिजॉल्विंग तब तक मैं उसको रेगुलर में यूज करना प्रेफर नहीं करती क्योंकि वो बहुत जल्दी फिर डिजॉल्व हो जाता है फॉर बॉडी वॉश दिस इज बाय फेस शॉप एक्सपायर नहीं हुआ अभी तक हाश ये उनका कुछ तो कब निकला था ये रेंज आई फील लाइक एक साल पहले निकला था बट आई एम अ वेरी फॉरगेटफुल पर्सन व्हेन इट कम्स टू लाइक मॉइस्चराइजिंग द बॉडी तो ये अभी तक ऑलमोस्ट आधे के ऊपर भरा हुआ ही है इट्स अ गुड लोशन पर आई जस्ट लाइक नॉन ग्रीसी बॉडी लोशन तो मैं दोनों पैर के लिए इतना ही लगाऊंगी मुझे पूरा दिन स्वेट स्वेट नहीं होना है कमिंग टू अदर एस्पेक्ट्स ऑफ योर लाइफ सोशली ऑल्सो आई डोंट फील अंडर प्रेशर एट ऑल लाइक फ्रेंड सर्कल वाइज बिकॉज आई वॉज वेरी क्लियर कि डोंट वॉन्ट अ क्वान्टिटी ऑफ फ्रेंड्स एंड हिमानी एंड कुमार इवन तो कुमार माई बॉयफ्रेंड इज ऑलवेज माई फ्रेंड एंड हिमानी इवन दो शी इज अ सिस्टर टू मी नाउ बट शी इज माई फ्रेंड तो वो दोनों है और मेरा एक ही ग्रुप है मेरे स्कूल फ्रेंड्स का ग्रुप जिनको मैं फिफ्थ स्टैंडर्ड से जानती हूँ बट वी बिकेम प्रॉपर फ्रेंड्स इन 11th स्टैंडर्ड तो हम काफ़ी क्लोज फील करते हैं तो वो एक ग्रुप इज लाइक ग्रेट टू हैव फन विद वेन एवर यू वॉन्ट टू हैव लाइक अ लॉट ऑफ फ्रेंड्स ओवर एंड जस्ट चिल फील कंफर्टेबल बट बी योर सेल्फ एंड कमिंग टू माई वर्क ऑल्सो आई मेड अ लॉट ऑफ गुड फ्रेंड्स लाइक जेन्युइन फ्रेंड्स विदाउट कॉम्पिटिशन बिकॉज सी वी ऑल मेंटेन गुड इनफ डिस्टेंस हम सब ना जो भी मेरे वर्क फ्रेंड्स हैं हम काम की बात ज़्यादा नहीं करते बिकॉज सबको समझता है कि कहीं ना कहीं फिर कॉम्पिटिशन शुरू हो जाती है सो माई रिसेंट न्यू फ्रेंड्स सना सारा A lot of people are Anandita also I do consider her my friend like I know if I need something or if I want to talk to her I can go to her Aditi Manasi and Mridul are my like older friends Kritika Dhwani these are all my older friends who I know since a lot of years now and वो तो पहले से मेरी लिस्ट में है तो इतने सारे लोगों से भी मैं कंफर्टेबल फील करती हूँ एंड फैमिली वाइज ऑल्सो बहुत ग्रोथ हुई है इस साल लाइक विथ रियाज वेडिंग आई गॉट टू अंडरस्टैंड मीट एंड फील कंफर्टेबल विथ लॉट ऑफ कुमार फैमिली साइड एंड देयर इज अ वेरी क्लोज वेडिंग हैपनिंग इन माई फैमिली इन
अराउंड डिसम्बर आई फील, तब मेरी सारी फैमिली के साथ रिकनेक्ट हो जाएगा. बट आई स्टिल फील क्वाइट कनेक्टेड टू माई फैमिली इज वेल. इन द लॉकडाउन आई यूज टू स्पीक अ लॉट टू मधुफुई एंड टू माई अदर रिलेटिव. आई वेंट टू मीट माई मामा ऑल्सो वंस. तो फैमिली वाइज भी सब सही चल रहा है. तो विथ दिस बर्थडे आई डोंट फील प्रेशराइज एट ऑल. सब सही चल रहा है, टच वुड. स्पिरिचुअली आई फील लाइक दिस अ लॉट ऑफ प्रोग्रेस आई कैन मेक एंड मेंटली एज वेल. वहाँ पे मुझे वर्क करना है. फिजिकली हेल्थ वाइज वो भी सही चल रहा है. लाइक आई टुक अ लॉट ऑफ एफर्ट्स. मेरी प्रॉपर मेहनत शुरू हुई है 3 हफ्ते पहले एंड आई हैव रिड्यूस्ड अराउंड 3 kgs इन 3 weeks. इज इट द मोस्ट हेल्दीएस्ट वे? नो, विच इज़ वाई आई एम नॉट गोइंग टू बी लाइक आप भी ये फॉलो करो. मत करना ये. मेरे को तो भूत चढ़ गया था क्योंकि 6 महीने से मैं जो मेहनत कर रही थी वो आधी अधूरी मेहनत थी. तो आई लाइक नहीं, अब मेरे को सॉलिड कुछ करना है. तो आई यूज़ टू गो टू जिम ऑल्सो, इसलिए मेरा मसल लॉस ज़्यादा नहीं हुआ है. बट या तो अभी फिजिकली भी मेरी पटरी लाइन पे आ रही है. आई एम एक्साइटेड फॉर द बर्थडे. दिस बर्थडे इज ओनली ब्रिंगिंग एन एक्सक्यूज टू सेलिब्रेट, दैट्स ऑल. नो प्रेशर्स, नो वरीज, नो इमोशंस ऑल्सो लाइक एज सच. बट आई एम जस्ट एक्साइटेड टू पार्टी बस. चलो नाउ बॉडी लोशन इज डन. तो ये सीरम भी एब्जॉर्ब हो ही गया है. सो आई थिंक लेट्स जस्ट मॉइस्चराइज, क्योंकि फिर मेरे को मम्मी को बोलना पड़ेगा मॉइस्चराइज करने. वंस आई अप्लाई नेल पेंट देन नथिंग आई कैन डू. सो फॉर मॉइस्चराइजर ट्रस्टी न्यूट्रिडर थोड़ा कम दे रही हूँ दैन यूजुअल बिकॉज आई एम नॉट डूइंग मेकअप टुडे. और तो कल तैयार होंगी तब इनफ लूंगी. और आज सीरम भी लगाया है तो आई डोंट वांट टू ओवरलोड द स्किन. बट ये एकदम लाइट है इसलिए आई नो इट्स नॉट गोइंग टू लाइक सफोकेट माई स्किन एट ऑल. वी डन नेल पेंट एंड we'll be ready. The nail paint we're going to apply on our hands. Mr. Kumar had chosen this one. This is by Nykaa. Shade hai Nutcracker Dreams 151. Isko bahut sare acche reviews mile the. Ab let's see reality mein iska color kaisa hai. Mummy bahut hi achhi nail polish lagati hai. Like there's nobody better than her. Isliye main kabhi aaj tak salon nahi gayi. Let's see mera first time kab hoga yaar. To bahut hi badi cheez hogi if I go to a salon for manicure. Okay, I sort of get Kumar's point. They're all the same. Kyunki ye aur pair ka shade to एकदम सेम ही लग रहा है. But out of care in the world, I was one rich little girl, daydreamer. बस तो मैं ग्लो अप इज डन. मेरी नेल पॉलिश का क्लोजअप लेके दिखा दो सबको कैसी लग रही है. तो मैं थोड़ा ये हूँ कि यार ये तो कम दिख रही है बिकॉज स्किन भी मैट है, नेल पेंट भी मैट है. बट ठीक है, लेट्स एक्सपेरिमेंट. अगर नहीं पसंद आए तो कल निकाल के कुछ और लगा दूंगी. बट फॉर नाउ आई थिंक दिस इज गुड, दिस इज समथिंग डिफरेंट. बस ज़्यादा दिख नहीं रही है वो मेरे को, ये हो रहा है. ठीक है, कुछ तो डिफरेंट ही लग रहा है. बट तो बस दिस वॉज माई ग्लो अप फॉर माई हेयर. आई जस्ट वॉश इट मे बी बिफोर लीविंग फॉर द ट्रिप. तब भी सोच रही हूँ ज़्यादा बाल धोने नहीं है ये वेदर में ना, फिर बहुत स्वेटी स्वेटी से हो जाता है. दिस वॉज अ वेरी पर्सनल, वेरी बी इन द मोमेंट विथ मी सॉर्ट ऑफ वीडियो. तो आई होप आपको मज़ा आया साथ में रेडी होने के लिए फॉर द बर्थडे. एंड अभी तो बहुत सारे वीडियोज देखने बाकी होंगे, आपके ब्लॉग्स आएंगे इतने सारे. मम्मा का भी बर्थडे ब्लॉग ग्लो अप के बाद ही आएगा मोस्टली. तो आई एम अ लिटिल इमोशनल अबाउट एस्प्रेसो. आई होप द शॉपिंग ब्लॉग इज गॉन फॉर दिस. तो आपको पता होगी पूरी स्टोरी, वरना तो वो ब्लॉग के लिए वेट करना. उसमें बहुत ही बड़ी न्यूज़ पता चलेगी आपको. उसमें मे बी यू फाइंड आउट वॉट हैपेंड, लाइक वॉट यू गिफ्टेड फॉर द बर्थडे टू आवर सेल्फ्स. आई विल सी यू इन द नेक्स्ट बर्थडे सीरीज एपिसोड. अगर ये वीडियो देखने में मजा आया तो गिव इट अ थम्स अप एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल. एंड अगर वीडियो पसंद नहीं आया तो बस बर्थडे सीरीज में थम्स डाउन मत. तो कोई भी ऐवे हो रहा ना फिर भी डिसलाइक्स आएंगे. इफ यू डोंट लाइक ऑफ कोर्स इट्स एंड आई कैन अंडरस्टैंड व्हाई यू डिसलाइक, बट हो सके तो मत देना. एंड आई विल सी यू इन अ ब्रांड न्यू वीडियो वेरी वेरी सून. अंटिल देन गुड बाय.